हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फाइव बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर फ्रोजन शोल्डर एंड रोटेटर कफ इंजरी। अब मैंने दोनों का नाम इसलिए इकट्ठा लिया है क्योंकि आपको पता है कि जब फ्रोजन शोल्डर होता है उसका रीज़न होता है कई बार रोटेटर कफ इंजरी होती है, जिसकी वजह से हम शोल्डर मूवमेंट कर नहीं पाते पेन की वजह से, और बाद में वो फ्रोजन शोल्डर डेवलप होता है। तो ऐसी कंडीशन ना आए, या अगर रोटेटर कफ इंजरी है तो उसको किस तरह से हमने प्रोग्रेस करना है एक्सरसाइज में, वो सब मैं आपको बताऊंगा इन पांच एक्सरसाइज में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो रोटेटर कफ जो है वो चार मसल का ग्रुप है, सुप्रा स्पाइनेटस जो कि अबडक्शन करता है, इन्फ्रा स्पाइनेटस जो कि हमारी एक्सटर्नल रोटेशन करता है, सबस्कैपुलरिस जो इंटरनल रोटेशन करता है, और टेरिस माइनर वो भी एक्सटर्नल रोटेशन करता है। अब इसमें से कोई भी एक मसल जब इंजर्ड होता है तो वो रोटेटर कफ इंजरी मानी जाती है, चाहे वो आपकी MRI में आए उसके बाद ही फ्रोजन शोल्डर डेवलप होता है। तो किस तरह से हमने करना है, ये ज़रूरी नहीं कि रोटेटर कफ इंजरी की वजह से फ्रोजन शोल्डर हो, वो वैसे भी हो सकता है, पर एक्सरसाइज हमने क्या करनी है वो आप देखिए। तो मान लीजिए लेफ्ट का अपना शोल्डर जो है वो पेन कर रहा है, तो सबसे पहली एक्सरसाइज करनी है हमने मूवमेंट को बचाने के लिए। तो मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये पेनफुल है और ये हेल्दी है, ये क्या करेगा, जो साउंड साइड है जो हेल्दी साइड है वो इसको इस तरह से आपने ये शोल्डर यहाँ पड़ा है इसको आपने इस तरह से पकड़ लेना है और हाथ को इसकी हेल्प से, यानी कि जो साउंड साइड है उसकी हेल्प से इसको उठा के, और उसके बाद इसकी मूवमेंट करवानी है पैसिवली, ये जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक चला जाएगा। उसके बाद इस हाथ की हेल्प से आपने क्या करना है, इसको हमने 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने क्या करनी है, इसको ऑसिलेशन देनी है। अब फिर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जहाँ से इसको ये हाथ उसको उठाएगा, ये पूरा पैसिव मूवमेंट होना चाहिए, एक्टिव करोगे तो पेन भी हो सकता है। ये काम है हमारा सिर्फ मूवमेंट को बचाने के लिए, ताकि जो फ्रोजन शोल्डर है वो ना डिवेल्प हो, इसलिए 1 2 3 4 5 जहाँ तक जा सकता है। ऐसे ही आपने 20 रेपिटेशंस करनी है, ये दिन में 3-4 बार करिए, ताकि जो आपकी ये वाली मूवमेंट है ये बची रहे, ताकि जब आपकी हीलिंग होगी मसल टीयर की हीलिंग जब हो जाएगी उसके बाद आपकी मूवमेंट स्टिफ ना हो। नहीं तो बेसिकली लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, वो मूवमेंट पेन की वजह से करते नहीं हैं तो बाद में फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो ये मूवमेंट रिस्टोर करने का सबसे बड़ा तरीका है। सेकंड आप क्या करेंगे एक्सरसाइज, आपने पोस्टीरियर कैप्सूल, यानी कि बैठ के आपने क्या करना है, वहाँ होता है पोस्टीरियर कैप्सूल। कईयों को क्या होता है, पेन यहाँ तो होता ही है, पीछे वाली साइड भी पेन शुरू हो जाता है, और लेटरल साइड, यहाँ की जो लेटरल साइड यानी कि बाहर वाली साइड है आम की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेन फील होता है। तो इसमें आपने क्या करना है, और ये ज़रूर ध्यान रखना है, जब अभी अभी नई नई इंजरी है तो उसको रेस्ट रखिए, आइस पैक लगाइए, रात को आइस पैक ज़रूर लगाइए। मैंने ये वीडियो भी बनाया हुआ है कि फ्रोजन शोल्डर वाले को नाइट पेन जब होता है तो उसको क्या करना चाहिए, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आइस पैक को भी ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर आके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या करना है, जब एक्यूट इंजरी खत्म हो गई है, आपका रिकवरी फेज शुरू हो गया, साथ साथ एक्सरसाइज फेज शुरू हो गया, तो इस पेन के लिए इस तरह से आपने दूसरे ऑपोजिट शोल्डर पे ये हैंड रख लेना है, और ये जो एल्बो है ये बिल्कुल चिन के सामने आ जाए, चिन के बिल्कुल सामने आ जाए। उसके बाद इस हाथ से जो साउंड साइड है उससे इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है ऐसे। अब ये जो स्ट्रेच करेंगे इसका सारा इफेक्ट यहाँ पोस्टीरियर कैप्सूल जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेच होगा, पीछे वाला भी स्ट्रेच होगा। तो ये आपने सेकंड एक्सरसाइज करनी है, इसके सिर्फ 5 स्ट्रेचेस कीजिए और 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए, इसको दिन में 2 बार कीजिए। तो आपको जो पीछे वाला पेन है, क्योंकि होता क्या है कि जब कोई मसल काम ना कर रहा हो तो दूसरे मसल पे उसका लोड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो टाइट शुरू हो जाता है, तो उसकी टाइटनेस कम करने के लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी है। तो शोल्डर वाले को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रात को सोने में, तो इसलिए स्लीपिंग पैटर्न का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और आपको मैं बता दूं कि पिल्लो कौन सा यूज़ करना है शोल्डर वाले ने, वो आपको पता लग जाएगा। तो ये है हमारा 3 कर्व पिल्लो जो कि स्पेशली शोल्डर वालों के पेन के लिए या नेक वालों के लिए, जो नेक पेन होती है उसके लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारा जो शोल्डर है वो पिल्लो के ऊपर आ जाता है, जगह होती नहीं है शोल्डर के लिए। तो ये जो 3rd कर्व होता है ये स्पेशली हमने शोल्डर की जगह के लिए बनाया है, देखिए ये शोल्डर इसके नीचे आ जाता है और जो हेड का वेट है वो सिर्फ पिल्लो पे रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पिल्लो है, इसको ऑर्डर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। तो इस वीक का जो प्रोडक्ट ऑफर पे है वो हमारा सर्वाइकल पिल्लो ही है, इसको 3 कर्व सर्वाइकल पिल्लो बोलते हैं, या इसको ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो 3rd एक्सरसाइज के लिए हमने इस तरह से साइड पर लेट जाना है। अब आपको मैंने बताया था कि लेफ्ट शोल्डर इफेक्टेड है, तो इसके लिए हमने एबडक्शन शुरू करनी है और वो सिर्फ 90 डिग्री तक लेके जानी है, इस तरह से लेट के इसको साइडवेज ऐसे उठाना है हमने, और ये 90 डिग्री तक लाके फिर वापस लेके आना। जैसे जैसे रिकवरी होती जाती है वैसे वैसे हमने अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो एक्सरसाइज करते जानी है। तो ये Grade 3 की मसल टेस्टिंग होती है, तो आपको पता लगता रहेगा कि जो मेरा मसल है वो पावर उसका कितना आ गया और रेंज कितनी बढ़ रही है। सबसे पहले हमने फ्लेक्शन उठाई थी,
फर्स्ट एक्सरसाइज में, अब हम थर्ड एक्सरसाइज में एबडक्शन के लिए पहुंच गए हैं। तो ये भी आपने 10-20 रेपिटेशन जितनी हो सके इसको ज़रूर करना है। अगर इसमें पेन आता है तो रेंज जो है उसको कम कर लीजिए, रेंज आपने कम रखनी है। और एक और आपको टेक्निक बताता हूँ, अगर आपको पेन आता है तो आपने क्या करना है, इस तरह से सीधा लेट जाना है, हाथ यहाँ रख लेने हैं, और उसके बाद अपने दोनों शोल्डर बेड पे प्रेस कर देने पीछे की ओर। आपको मैं खड़े होकर दिखाता हूँ किस तरह से करना है। ये इस तरह से आपने रखा और उसके बाद जो शोल्डर है वो इस तरह से पीछे की ओर ले जाने, ऐसे। जब हम शोल्डर पीछे की ओर लेके जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो हेड होता है वो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो हेड है वो शोल्डर हेड है वो आगे आना शुरू हो जाता है। आपने देखा हो कई लोगों के शोल्डर जो है वो ऐसे आगे आया होता है क्योंकि वो ट्रिक मूवमेंट करते हैं। तो उसको रोकने के लिए आपने शोल्डर हेड पीछे ले जाने हैं, उसके बाद मूवमेंट करेंगे तो वो ईजिली हो जाएगी। तो ये आपने एक्सरसाइज, फोर्थ एक्सरसाइज को मान लीजिए, इसको करना ही करना है। हर मूवमेंट से पहले करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब चलते हैं अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज पे, जो कि है हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। अब सब कुछ आ गया है, मूवमेंट भी आ गई है, शोल्डर की रिकवरी भी हो गई है, अब हमें चाहिए स्ट्रेंथ, जो कि एक्सटर्नल रोटेशन। सबसे ज़्यादा मूवमेंट क्या होती है, आप हाथ पीछे लेके जाना चाहते हैं, मान लीजिए कार में कोई चीज़ पड़ी है, पीछे से उठाने लगे हैं, कोई जग उठाने लगे हैं दूर से, तो एकदम से झटका लगता है, तब हमारा शोल्डर कहते हैं एकदम से नीचे आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तो स्ट्रेंथ लाने के लिए हमने क्या करना है, इस तरह से ये है रेजिस्टेंस लूप, इसको भी ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये लूप से आपने क्या करना है, ये जो हैंड है ये यहीं पर रहेगा, इसको होल्ड करेगा। अब लेफ्ट हैंड जो है ये लूप को इस तरह से खोलेगा बाहर की ओर। अब देखिए ये एक्सटर्नल रोटेशन का जो जोर लग रहा है, ये पूरा जोर लग रहा है हमारा एक्सटर्नल रोटेशन करने के लिए इस मसल का, जो कि आपको मैंने बताया था एक्सटर्नल रोटेशन हमारा करता है टीरिस माइनर और सार में इन्फ्रास्पाइनेटस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे तो आप इस तरह लेट जाइए, इस तरह लेट जाइए, इसको यहाँ से पकड़ लीजिए, यहाँ से आपने होल्ड कर लेना है ताकि ये बैंड निकले नहीं। इस तरह से होल्ड कर लिया, अब इसको जो है वो ऐसे उठाने की कोशिश कीजिए। ये मूवमेंट करने से भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, आपके शोल्डर में स्ट्रेंथ आनी शुरू होगी, जितनी स्ट्रेंथ आएगी उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप जो भी आपको इक्विपमेंट चाहिए वो आप स्ट्रेंथनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री एक्सरसाइज भी बता दी है, तो इस तरह से आप अपनी शोल्डर पेन को भी रिकवर कर सकते हैं और रोटेटर कफ इंजरी में फ्रोजन शोल्डर होने से भी बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबसे सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने रोटेटर कफ इंजरी में कब एक्सरसाइज करना है, कब उसको रेस्ट देना है। और बाकी मैंने आपको नाइट पेन के लिए बताया, वो भी ज़रूर ध्यान रखिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो हमारी वेबसाइट पर sukoonphysicaltherapy.com पर जाके आप कोई भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।